नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर में शांति व्यवस्था कायम रखने के मद्देनजर शहर कोतवाल दिलीप सिंह ने शुक्रवार की देर शाम पुलिस कर्मियों संग चक्रमण किया। कोतवाली से निकला रूट मार्च मिश्र बाजार, महुआ बाग होते हुए विश्वेश्वरगंज तक गया। इस दौरान जिन स्थानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी, वहां कोतवाल ने फटकार लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। बिना मास्क नजर आए लोगों को घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई। कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के साथ ही उनकी तलाशी भी ली गई। उधर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को देख लोग सकते में आ गए। इस सोच में पड़ गए कि कोई घटना तो नहीं हुई। चक्रमण में विश्वेश्वरगंज चौकी प्रभारी वंश बहादुर सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी शामिल रहे। RVNL के मुख्य परियोजना प्रबंधक विकास चंद्रा एवं RVNL के परियोजना निदेशक सत्यम कुमार अपने 2 दिन के प्रवास के मद्देनजर पहले दिन शुक्रवार की देर शाम गंगा नदी पर बन रहे रेल कम रोड ब्रिज के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारी द्वय ने SP सिंगला कंस्ट्रक्शन GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के इरेक्शन प्लांट का भी दौरा किया एवं सोनवल घाट पर बन रहे नए रेलवे स्टेशन, कर्मियों के लिए आवास, पियर, बेड, ब्लास्टिंग, ट्रैकिंग आदि के कार्यों का भी जायजा लिया। निर्देशित किया कि पहले चरण की परियोजना को आगामी 2022 तक हर हाल में पूरा करा लिया जाए। इस अवसर पर कार्यदायी संस्थान SP सिंगला कंस्ट्रक्शन के PM अमनदीप गोयल, वापकाश के PM प्रकाश चंद्र मोहराना, GPT के वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार, GPT के GM गौतम सरकार, P&R के GM अफरोज कापरा, अजय राय, रितेश कुमार, विद्युत राव, DPM सुनील सिंह, संदीप पांडे, उपेंद्र कुशवाहा आदि मौजूद रहे। चंदनी पब्लिक स्कूल में शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीचर्स डे मनाया गया। कोरोना संक्रमण पर सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए स्टूडेंट्स की उपस्थिति नहीं रही। इस मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। स्कूल डायरेक्टर नवीन कुमार ने केक काटकर उपस्थित लोगों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। इस मौके पर प्रिंसिपल पीयूष राय, माधव सरकार, सतीश गुप्ता, अंकिता गुप्ता, दीपमाला, निशा यादव, यूसुफ, सईदा, प्रिया उपस्थित रहे। आपको बता दें कि CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त चंदनी पब्लिक स्कूल गाजीपुर के भावरकोट क्षेत्र में पड़ता है। पिछले कुछ सालों में शिक्षा के रूप में पिछड़े इस इलाके में चंदनी पब्लिक स्कूल अपनी स्तरीय शिक्षा पद्धति से अच्छी पैठ बनाने में सफल रहा है। लूदर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज परिसर में शनिवार को प्रधानाचार्य सिस्टर अल्फोंजा के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऑनलाइन शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं मदर टेरेसा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता श्रीमती मीरा चतुर्वेदी, श्रीमती मनोरमा राय, श्रीमती रीता सिंह एवं राजेश राय ने डॉक्टर कृष्णन के जीवन कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। अंत में प्रधानाचार्य सिस्टर अल्फोंजा ने मदर टेरेसा के सामाजिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों तथा कर्तव्य पर विभिन्न संस्मरणों के माध्यम से प्रकाश डाला। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य सिस्टर अंजना, सिस्टर मर्सिया, सिस्टर प्रीति, श्रीमती गार्गी उपाध्याय, श्रीमती अनीता उपाध्याय, श्रीमती श्वेता राय, श्रीमती दीपा श्रीवास्तव के साथ ही विद्यालय के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। गौर से देखिए इस वीडियो को। ये नजारा सिटी रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित DCF संघ के गोदाम का है। यहाँ पर सुबह से ही किसान खाद लेने के लिए पहुंचने लगे। भीड़ अधिक होने पर लंबी लाइन लग गई। किसान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। इस लाइन पर आवागमन करने वाले अन्य लोगों की जैसे ही नजर पड़ रही थी, उनके मुंह से ये बात निकल जा रही थी कि ये लोग तो कोरोना की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, इनके मन में इस खतरनाक बीमारी का जरा भी भय दिखाई नहीं दे रहा। खास बात यह है कि किसानों की भीड़ को देखते हुए यहाँ पर पुलिस कर्मी भी तैनात थे, लेकिन वो भी किसानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने को शांतिपूर्वक देखते रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।